डायमंड नागिन और बुलेट ट्रेन एक दुष्ट तांत्रिक ने काले जादू की मदद से से सोए हुए एक विशाल हाथी को नींद से जगा दिया वो उसे अपना गुलाम बनाकर दुनिया पर राज करने की सोच रहा था पर वो विशाल हाथी जागने के बाद दुष्ट दानव बन चुका था वो एक जोम्बी हाथी बन चुका था फिर भी वो उस तांत्रिक की बातें मारने लगा जो भी वो तांत्रिक कहता वो डोमरी हाथी ठीक वही करता <laughs> दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत अब मेरे बस में है अब मुझे इस दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता इस हाथी को मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है इसे रोकने का तरीका सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता है तांत्रिक ने हर जगह उस हाथी की मदद से अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया कई लोगों ने बड़े से बड़े हथियारों के साथ उस हाथी को रोकने की कोशिश की पर उस हाथी पर किसी भी हथियार का कोई भी असर नहीं होता कुछ लोग हाथी के डर से मंदिर में जाकर छुप गए और भगवान के सामने मदद की गुहार लगाई तभी वहाँ के पुजारी ने उनकी गुहार सुन ली और फौरन जाकर उस मंदिर की रक्षक इच्छाधारी नागिन को इसकी पूरी जानकारी दे दी ऐसा विशाल हाथी तो सदियों पहले पाया जाता था लगता है किसी ने उसे नींद से जगाया है गुरुदेव मैं इसे कैसे रोक पाऊंगी नागरानी इस हाथी को रोकना केवल आपकी ही बस की बात है आप कोई मामूली इच्छाधारी नागिन नहीं है आपकी पूछ हीरे की है और हीरा किसी भी चीज को बड़ी आसानी से काट सकता है आपकी पूछ से उस विशाल दुष्ट हाथी का विनाश हो सकता है जाइए उस हाथी को रोकिए और उस तांत्रिक का भी विनाश कीजिए। नागिन बलखाती हुई वहां से निकल गई हाथी को ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं थी जहाँ भगदड़ मची हुई हो वहीं पर हाथी होगा ये तो बात तय थी बोक लाया हुआ हाथी अब एक बड़ी से तेज रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन की तरफ जा रहा था बुलेट ट्रेन में बैठे लोगों को इसकी जरा भी भनक नहीं दौड़ता हुआ बुलेट ट्रेन की ओर बढ़ने लगा अब आसपास खड़े लोगों की भी सांसें थम गई थी वो भी डर के मारे उस हाथी से छुपने लगे हाथी उस ट्रेन को टक्कर मारने ही वाला था कि तभी किसी ने उसे पीछे खींच लिया वो नागिन थी जिसने पूरी ताकत के साथ हाथी को ट्रेन से दूर कर दिया बहुत आतंक मचा दिया दुष्ट अब और नहीं अब तू ऐसी नींद में सोएगा जिससे कोई भी कभी भी तुझे जगा नहीं पाएगा नागिन को अपने रास्ते का समझकर हाथी भी ओर गुस्से से बढ़ने लगा और उस पर हमला कर दिया काफी थी, बड़ी ही आसानी से वो हाथी के वार से बच निकली हाथी बार बार उस पर वार करने की कोशिश करता और नागिन हर बार उस वार को खाली कर देती थी बस इतनी ही ताकत है तुझ में अब देख मेरे वार से बच के दिखा ये क्या? ये क्या नागिन बीच में कहा से आ गई कोई बात नहीं मेरा हाथी से भी देख लेगा आज नागिन नाम का काटा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाएगा <laughs> तांत्रिक को पूरा यकीन था कि नागिन उसके विशाल हाथी को हरा नहीं पाएगी बल्कि हाथी ही नागिन को खत्म करके रख देगा पर उसका ये यकीन बहुत जल्दी टूट गया नागिन हवा में लहराने लगे और उसने अपनी आंखें बंद कर जब उसकी आंखें खोली तब तांत्रिक ने देखा कि उसकी पूछ अचानक चमकने लगी थी जब उसने ध्यान से देखा तब वो जान गया कि वो हीरे की पूछ थी उसी पल वो समझ गया कि अब उसके हाथी की खैर नहीं अगर हाथी मर गया तो नागिन उसको भी नहीं छोड़ेगी और यह नागिन ने अपनी चमकीली हीरे की पूछ को सीधे हाथी के माथे के बीचों ऐसा करते ही हाथी बड़े धमाके के साथ टूट कर बिखर गया उस हाथी का वही खत्म हो गया। नागिन ने एक बार फिर लोगों की जान बचाई पर वो दुष्ट तांत्रिक भाग निकला सर्पिका का आतंक और नागिन की माँ दिन ब दिन सर्पिका का आतंक बढ़ता ही जा रहा था जाने कितने नाग वंश को उसने गहरी नींद में सुला रखा था और कितनों को मौत के घाट उतारा था। सर्पिका सारी दुनिया पर राज करना चाहती थी और उसके रास्ते का काटा थे अच्छे और नेक दिल नाग नागिन बस कुछ ही दिनों की बात है फिर इस दुनिया में मेरा ही राज होगा सारे ताकतवर नाग नागिन को मैंने अपने रास्ते से हटा दिया है उनके वो पिल्ले मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते सर्पिका आप उन पिल्लों को कम मत किए कब वो अपना फन उठाकर आप पर ही वार करेंगे आपको भी पता नहीं चलेगा चुप कर मूर्ख सर्पिका को डराने की तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे टकराए सर्पिका अपने घमंड में चूर हो गई थी उसको अपनी ताकत पर अंधविश्वास हो गया था और होगा भी क्यों नहीं दुश्मन को हराने के लिए उस तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं थी अपनी जहरीली फुंकार के साथ वो दूर से ही अपने दुश्मन को गहरी नींद में सुला देती थी और उस नींद से सोए हुए को जगाना ये सर्पिका के अलावा और कोई नहीं कर सकता था और ऊपर से उसके सिर से निकलते हुए नाग उनसे बचना भी कोई आसान बात नहीं नहीं थी पर उसे पता नहीं था एक ताकतवर दुश्मन उसे हराने के लिए कई सालों से तैयार हो रहा था एक इच्छाधारी नागिन जिसकी मां को सर्पिका ने सालों पहले उससे दूर कर दिया था सर्पिका तेरे आतंक के दिन अब खत्म हुए मैं अपनी माँ का बदला लेने जल्द ही तुझ तक पहुंच जाऊंगी तेरी उस जहरीली फुंकार का तोड़ मैंने निकाल लिया है अब अगर मुझसे बच सके तो बच कर दिखा नागिन सर्पिका को ढूंढते हुए उस तक पहुंच गई सर्पिका भी नागिन को अपने सामने देखकर हैरत में पड़ गई पर जब नागिन ने उसे बताया कि वो अपने माँ की मौत का बदला लेने आई है तो सर्पिका ये सुनकर नागिन की बेवकूफी पर बेतहाशा हंस पड़ी उसने सोचा नागिन को मात देना उसके लिए चुटकी बजाने जैसा आसान काम है बिना देर किए सर्पिका ने नागिन पर उसी फुंकार का वार किया और जोर जोर से हंसने लगी पर उसकी हंसी अचानक रुक गई। ये क्या हुआ तुम पर इसका असर क्यों नहीं हुआ आ, आ, मैंने तुम्हें कम समझकर गलती कर दी मुझे लगा था मैं भी तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह गहरी नींद में सुला दूंगी और उसी जगह बंद करके रखूंगी जहाँ तुम्हारी माँ को रखा है पर अब नहीं अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाऊंगी क्या मेरी माँ जिंदा है का है मेरी माँ दुष्ट बता का है मेरी माँ सर्पिका उसे कोई जवाब नहीं देती बस दुष्टता से हंसने लगती है। माँ को फिर से पानी की उम्मीद में नागिन का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है इससे पहले कि सर्पिका उस पर हमला करे नागिन जादू से एक त्रिशूल प्रकट करती है और देखते ही देखते सर्पिका का सर धड़ से अलग कर देती है सर्पिका की ये हालत देखकर उसका गुलाम वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर नागिन उसको अपने पूछ में जकड़ लेती है तू उस सर्पिका का गुलाम है ना? बता, बता उस दुष्ट ने सारे नाग नागिन को कहा कैद करके रखा है और ये भी बताओ कि उन्हें कैसे जगाए, वरना बताता हूँ बताता हूँ सर्पिका ने एक अंधेरी गुफा में सारे नाग नागिन को कैद करके रखा है अब सर्पिका की खून की बूंदे ही उन सोए हुए नाग नागिन को फिर से जगा सकती है नागिन सर्पिका का सर लेकर उस गुफा की ओर निकल पड़ी सारे सोए हुए नाग नागिन के ऊपर नागिन ने सर्पिका की खून की बूंदे छिड़काई ऐसा करते ही कुछ ही पलों में एक एक करके सारे नाग नागिन नींद से जागने लगे उनमें से एक नागिन की माँ भी थी जिसे देखते ही नागिन ने उसे गले लगा लिया एक बेटी ने अपनी मां के खातिर सर्पिका जैसे दुष्ट का अंत कर दिया और बाकी नाग नागिन को उसके कहर से बचा लिया